नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपका साथी जफर अशरफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंधवा शहर के मंडी क्षेत्र में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सेंधवा शहर की सब्जी मंडी। आजादी से लेकर अब तक सेंधवा शहर में मंडी का, सब्जी मंडी का अब तक कोई अस्तित्व नहीं बना। सेंधवा के इतिहास में आजादी से लेकर अब तक सेंधवा की सब्जी मंडी को स्थायी जगह अब तक नहीं मिली। सेंधवा से चुने जाने वाले प्रतिनिधि प्रदेश में ऊंचे पद पर भी रहे और मंत्री भी बने, लेकिन सेंधवा के लिए एक सब्जी मंडी का स्थायी निराकरण नहीं कर सके। अभी जो सब्जी मंडी लगती है वह किले के पुराने शेड में, जहां पर गेहूं और अनाज तोला जाता है, वहीं पर सब्जी मंडी भी लगा दी जाती है। सेंधवा शहर राजनीतिक गलियारों में आने वाला बड़ा नाम है, लेकिन ये अजीब विडंबना है कि सेंधवा शहर में अब तक सब्जी मंडी का स्थायी जगह ना हो पाई। सब्जी मंडी समिति के अंतर्गत आती है, मंडी समिति में अब तक कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ पर एक बात और सामने निकल कर आती है कि सब्जी मंडी मंडी समिति के अंतर्गत आती है, लेकिन सब्जी दुकानदारों से पैसा वसूलने का काम नगर पालिका के कर्मचारी करते हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में दीगर इलाकों में लगने वाले सब्जी के ठेलों को नगर पालिका सख्ती के साथ हटा देती है और उन्हें यह सलाह देती है कि आप किले के अंदर अपनी दुकानें लगाएं। ऐसे में वह अगर दुकान किले के अंदर लगाते भी हैं तो किले के अंदर स्थायी दुकानदार उन्हें जगह नहीं देते, तो ऐसे में सब्जी बेचने वाले फिर शहर की सड़कों पर निकल पड़ते हैं और फिर उन्हें हटा दिया जाता है और फिर वह वापस आ जाते हैं। आखिर यह बार बार हटाने का सिलसिला कब तक चलेगा? या तो इन्हें आप मंडी शेड के अंदर स्थायी जगह देकर खुद प्रशासन के साथ जाकर मंडी शेड में शहर के बाहर दीगर इलाकों में लगने वाले ठेलों को मंडी में स्थायी जगह दिलवाए। यह सारी परेशानी का हल शहर में स्थायी मंडी का विस्तार होना बहुत जरूरी है। इस बारे में हमारी बात एसडीएम से भी चर्चा हुई, न्यूज लीडर से चर्चा के दौरान एसडीएम ने बताया कि हम इस पर स्थायी निराकरण की पूरा विचार करेंगे और एक स्थायी जगह दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा। और माल भर के ले गए, सब 5-6 हजार का माल ले गए भर के, एकदम से रोड बन रहा। पहले बोल रहे थे कि रोड बन रहा था तो हम लोग आता लेते, और वापस रोड बन जाता तो वापस चले, एक ठेला लगा लेते। कहाँ जाएंगे हम? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 3 महीने के घर बैठे ले, ब्याज के पैसे ला के बच्चों को खिलाए हमने। अभी जैसे आपको